गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज खुशी कुमारी। आप सभी दर्शकगणों से मेरा ये निवेदन है कि आप सब अपनी खुशी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब जो नाटक प्रस्तुत होने जा रहा है उसे आप देख के अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। यह नाटक आधारित है युगों से चली आई परंपरा, जिसमें हर माता पिता अपने बच्चों को जिसमें हर माता बच्चों को अपनी खुशी की अपने बच्चों को दूसरों से बच्चे से तुलना करते हैं। इतनी देर हो गई, चाय मिलेगी भी कि नहीं? आधे घंटे में पूरा ये पेपर चार बार चाट मारा, लेकिन अभी तक तुम्हारी चाय नहीं बनी। अरे रुको रुको, अभी लाती हूँ, थोड़ा तो सब्र करो। तेरी आँखों का काजल, तेरी आँखों का काजल, तेरी आँखों का काजल, तेरी आँखों। भैया इधर सुनो ना। क्या हुआ छोटे? भैया आपको डर नहीं लग रहा? आज आपका रिजल्ट निकलने वाला है ना? अरे छोटे, इसमें डरने की क्या बात है? क्यों भैया, आपके रिजल्ट कम भी तो आ सकते हैं ना? हाँ कम ही आए हैं। ए पिंकू बेटा इधर आओ। जी पापा। आज तो तुम्हारे रिजल्ट आने वाले थे ना? हाँ तो पापा पास हो गया। पास तो पप्पू भी हो गया। परसेंटेज बताओ, कितना परसेंटेज मार्क्स आए? अच्छा अच्छा, परसेंटेज तो 65 है पापा, 65। क्या बस 65 परसेंटेज मार्क्स लाए हो? बस नहीं, बाइक दिलाई है हमको। रुको बेटा, अभी तुमको बाइक नहीं हेलीकॉप्टर दिलाते हैं। फटफटिया चलाने की औकात नहीं, बाइक मांगने आएंगे हमसे। पेट्रोल का रेट पता है लगभग 100 है, कम से कम उतने परसेंटेज तो ले आती। पापा एग्जाम के दिन तो पेट्रोल का रेट 65 ही था, उसमें हमारी क्या गलती? अरे नालायक, देख शर्मा जी का भी तो एक लड़का है, उसके पूरे 99% मार्क्स आए हैं। पापा उसकी बात ना करो। काहे ना करें? उसी की वजह से हमारे परसेंटेज कम आए हैं। वो कैसे? पापा एग्जाम के दिन वो हमारी आगे वाली सीट पर बैठा था, ससुरा एक रत्ती भी नहीं दिखाया, कॉपी और पेंसिल से टक लेता था। वाह बेटे वाह, तुम तो बड़े होशियार निकले, पता नहीं लड़का फ्यूचर में क्या करेगा। सचिन तेंदुलकर 10th पास, आमिर खान 12th पास, सलमान खान तो कभी स्कूल ही नहीं गया, पर देखो भी सब कहाँ है। ये सब तुमको कैसे पता चला? हमको मालूम था कि रिजल्ट वाले दिन ये सब जोल मोल होगा ही, इसीलिए पिछले एक हफ्ते से सारी जानकारी जमा कर रहे हैं। वाह बेटे वाह, तुम तो बड़े होशियार निकले। ए चिंकू बेटा इधर आओ। जी पापा, क्या हुआ? देख रहे हो अपने भैया को, सिर्फ 65% मार्क्स ही लाया है। तो क्या हुआ पापा, पास तो हो गया है ना भैया? तुम दोनों लोग तो एक जैसे ही हो। कसम बूंदी के लड्डू की, कैसे हैं आप पंडित जी? अरे हम तो ठीक है शर्मा जी, आइए बैठिए। बैठेंगे तो बाद में, पहले हम आपको लड्डू खिलवाएंगे। आज बड़े लड्डू बांटे जा रहे हैं, क्या हुआ, कैसे है ना हुआ? अरे हमारा मुन्ना है ना, वो 99% से पास हो गया। अरे वाह शर्मा जी, तो बहुत अच्छी बात है। वो शरबत चाय वगैरह पियेंगे? शरबत चाय तो बाद में आ, तो पिंकू का भी तो रिजल्ट आना था। पास वास हुआ है कि फिर से वही क्लास में बैठ गया? नहीं नहीं, पास ही हो गया 65% से। क्या सिर्फ 65? कसम बूंदी के लड्डू की कि पिंकू बेटा इधर आओ। पिंकू बेटा कभी कभी मुन्ना के साथ भी पढ़ाई कर लो, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। जी अंकल जी। ए मुन्ना इधर आओ। क्या हुआ? अपने पापा को यहाँ से ले जाओ, बहुत फालतू की बकबक कर रहे हैं। ए चल चल, तुम्हारी बेइज्जती, बड़ा मजा आ रहा है, मैं क्यों ले जाऊँ मेरे पापा तो? देख लेना मुन्ना, बहुत गलत कर रहा है, भारी पड़ेगा तुम्हें। ए चल चल, हवा आने दे।
अरे शर्मा जी, अपने हाल चाल तो बताइए। अंकल जी, शरबत पियेंगे? हाँ बेटा ले आ। आइए बैठिए। बहुत पकड़ पकड़ कर रहा था ना, अब पियो जमाल गोड्डे वाला शरबत। लीजिए अंकल जी। अरे बेटा शरबत तो बहुत अच्छा था। हाँ हाँ पंडित जी, आप क्या बोल रहे थे? अरे हम ये बोल रहे थे शर्मा जी कि आपने कोई बाइक वाइक खरीदी या फिर उसी स्कूटर में ही रगड़ते रह गए। हाँ पंडित जी, हम चलते हैं। अरे चाय समोसे तो खाते जाइए। अरे पंडित जी कुछ जरूरी काम याद आया, हम चलते हैं। अरे समोसे तो खा लीजिए। अरे कुछ जरूरी काम याद आ गया, समझा करो यार, हम चलते हैं। चलो बेटा। भैया ये आपने क्या किया? मैंने क्या किया छोटे? मुझे सब पता चल गया है भैया। क्या पता चल गया है? पिंकू और चिंकू बेटा इधर आओ। जी पापा। आ तो शर्मा जी को क्या हुआ, तुमने उनके शरबत में कुछ मिलाया था क्या? नहीं पापा, शर्मा जी तो गए अपने धर्मा पीले झंडे फहराने। हे भगवान, देख रही है उसकी करतूत, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ये सब हमारे वजह से नहीं, ये सब आपके वजह से हो रहा है। धीरे धीरे, थोड़ा धीरे बोल सकती हो? चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूँ, इस नालायक की आरती उतारू? नालायक हमेशा हमारी नाक कटवाता रहता है। कसम बूंदी के लड्डू की। अरे पंडित जी क्या हुआ, इतनी शोर मोर हो रही है, नाच गाना चल रहा है क्या? अरे तुमको क्या, हमारा घर हम नाचे गाए कुछ भी करे तुमको क्या? अरे भाई मैं इस घर का मालिक हूँ। मालिक हो तो क्या हुआ, किराया तो देना पड़ता है ना। अरे भाई मैं तो धनिया लेना आया था। कोई धनिया नहीं मेरे पास, निकलो यहाँ से। अरे भाभी जी को तो पूछने दो। भाभी जी? अरे वो क्या बताएंगे, इस घर में रोज खाना बनाते हैं, मैं पता है धनिया है या फिर नहीं है, हम निकलो यहाँ से। ठीक है जाते वक्त एक बात बोलूंगा, वो सबको पता है, निकलो यहाँ से। यहाँ क्या कहा आपने, रोज खाना आप बनाते हो? कल बनाए तो थे। वो तो सिर्फ चाय थी, काम हम करे क्रेडिट, आप ले जाए। हमें पता है महारानी कितना काम करती है, बढ़िया ही काम करने वाली। बस ज्यादा मत बोलो, हमारा माता गरम ना करो वरना हाथ उठ जाएगा। कसम बूंदी के लड्डू के। अरे शर्मा जी क्या हुआ, आज भाभी जी बहुत जोश में हैं। अरे अब क्या हुआ शर्मा जी? अरे वो गैस वाला आया था ना, थोड़ा किराया चाहिए था। हे भगवान, कैसा इंसान है ये, बच्चे की फीस देनी तो किराया लेगा, घर का राशन लाना तो किराया लेगा, अब गैस वाला है तो किराया मांग रहा है, कोई किराया नहीं मेरे पास, निकलो यहाँ से। ठीक है जाते वक्त एक बात बोलूंगा कि आप बहुत ही बदतमीज हो। वो सबको पता है, निकलो यहाँ से। क्या जरूरत थी मकान मालिक से ऐसे बात करने की? ऐसे ना करूँ तो कैसे करूँ, उसकी आरती उतारनी ऐसे सर में चढ़ा लूँ? बस चुप हो जाओ, हमारा सिर दर्द करे वरना आपका सिर फोड़ दूंगी। फोड़ दो मेरा सिर, किसी काम का तो है नहीं, फोड़ दो। ठीक है, ये इच्छा भी आपकी आज पूरी कर दूंगी। आप? अरे भाई मैं तो तेल लेना आया था। हे भगवान धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने इस नाटक का लुफ्त उठाया होगा और एक सीख भी ली होगी कि हमें बच्चों की तुलना किसी दूसरों बच्चों से नहीं करना चाहिए और इन्हें स्वतंत्र रहने की सीख देनी चाहिए। धन्यवाद। Batman forward, Batman who up?